बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर गुफ्तगू शुरू किया था। कल हम्द के हवाले से गुफ्तगू हुई थी कि हम्द है क्या। हम्द खुलासा है शुक्र और खुदा की तारीफ का। साथ ही साथ हम्द की अगर हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आम तौर से मुख्तसर तर्जुमा ये किया जाता है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का परवरदिगार है, पालने वाला है। तो लिल्लाह मतलब अल्लाह के लिए, तो जितनी भी तारीफें हैं उसका सजावार या उसका हकीकी लायक जो है वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार है। रब्बिल आलमीन, रब अलग लफ्ज़ है और अल आलमीन अलग लफ्ज़ है, ये दोनों से मिला हुआ। रब्बिल आलमीन यानी रब अरबी जबान में किसी चीज़ के मालिक होने यानी साहिब इख्तियार होने और फिर उसके चलाने को या उसकी परवरिश को कहा जाता है। लिहाजा ये कहा जाता है मुरब्बी कुरान यानी कुरान का सिखाने वाला, या फिर अरबी जबान में जो किसी भी टीम का कोच होता है उसे कहा जाता है मुरब्बी, यानी उसे इख्तियार होता है कि किस खिलाड़ी को किस टाइम है ना कैसे तैयार किया जाए, किसको कहाँ के लिए तैयार किया जाए, कौन मिसाल के तौर पर ओपनिंग रहेगा, कौन सबसे पहले बॉलिंग करेगा, ये जो तालीम वगैरह देता है उसे मुरब्बी कहा जाता है अरबी में। तो बहरहाल रब्बिल आलमीन यानी तमाम आलमीन का परवरदिगार, परवरदिगार खुद ये फारसी से लिया हुआ जुमला है। अगर सही उर्दू में किया जाए तो पालने वाला है ना, रब पालने वाला। तो बहरहाल बहुत सारी आयतें हैं जो कुरान मजीद में रब जिसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे सूरह अनआम की आयत नंबर 164 जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है वहुवा रब्बु कुल्लि शय, यानी खुदा वो है जो हर चीज़ का पालने वाला है या हर चीज़ का चलाने वाला है, यानी पूरी दुनिया का इख्तियार खुदा को है और किस तरह चलाए ये भी खुदा के हाथ में है, यानी पूरी तदबीरें हिकमतें सब के सब खुदा के हाथ में है। फिर रब्बुस समावात वल अर्ज वमा बैनहुमा, यानी ये तमाम आसमानों का भी परवरदिगार है, ज़मीन का और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है ना, हर एक चीज़ पर इख्तियार खुदा का है, वही हकीकी मालिक है। आलमीन यानी जमा है आलम की, आलम यानी एक दुनिया या एक जहां, आलमीन यानी बहुत सारे दुनिया या बहुत सारे जहां, तमाम जहानों का मालिक है, तमाम जहानों का पालने वाला है। तो रब्बुल आलमीन दर हकीकत अगर हम नमाज में कह रहे हैं, सूरह हम्द में कह रहे हैं, तो ये खुदा की वहदानियत की गवाही भी है और मुशरिकीन के अकीदों का जवाब भी है। यानी इससे एक फलसफा ये भी समझ में आता है कि क्यों हमें रोज़ाना कम से कम 5 नमाजों में बुलाया जाता है और 5 नमाजों में 10 मरतबा हम सूरह हम्द की तिलावत करते हैं। तो ये अपने अकीदे का इजहार है, सही अकीदे का इजहार है। यानी क्या, आलमीन यानी तमाम जहानों का परवरदिगार एक ही है। ये मुशरिकीन का अकीदा है, वो कहते हैं ज़मीन का अलग खुदा है, आसमान का अलग खुदा है, बारिश नाजिल करने वाला एक अलग खुदा है, रिस्क तकसीम करने वाला अलग खुदा है, ज़िंदगी देने वाला एक अलग खुदा है,
मारने वाला एक अलग खुदा, ये दूसरों के जो बहुत सारे खुदा हैं हम ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, तो ये किसी और चीज का यानी खुदा तकसीम होने वाला नहीं है, बल्कि एक ही खुदा है, पूरी दुनिया उसी के इख्तियार में है, हर चीज पर वही कुदरत रखता है। तो ये मुशरिकीन का जवाब है, हम नमाज पढ़ते हैं तो शिर्क से दूर होने के लिए, कि हम किसी भी तरीके से खुदा के शरीक होने के कायल नहीं है। तो कोई खुदा नहीं है बल्कि तमाम आलमीन के लिए एक ही खुदा है, और तमाम मखलूकात के लिए भी एक ही खुदा है। तो बहरहाल जमीन की इतनी बड़ी वसअत का मालिक एक ही है, यानी दुनिया में जितनी भी जमीन है वो एक अजीब नुक्ते की तरफ इंशाल्लाह इशारा करेंगे, जितने सितारे और सैारे हैं कहकशा हैं, सब का मालिक परवरदिगार है। सिर्फ आप निज़ाम शमसी को ले लीजिए, सोलार सिस्टम को, जो सूरज के साथ नौ सैारे होते हैं, नाइन प्लैनेट्स जिसे कहा जाता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो, ये बच्चे पढ़ते हैं साइंस वाले, इनको ज़्यादा मालूम है। इस सिस्टम को ले लें तो कितना बड़ा मुदब्बिर व हकीम है खुदावंद आलम, किस तरीके से इस पर इख्तियार रखे हुए हैं। सबसे छोटा भी अगर हम सैारे को ले लें, सबसे छोटा प्लैनेट अगर हम ले लेंगे तो वो है मर्क्यूरी, और उसका भी जो हजम है 74.8 मिलियन किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा है, हमारा बोल देना आसान है लेकिन उसे चलाना या उसके सिस्टम को आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। या इसी तरीके से सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर कहा जाता है, यानी 61.42 बिलियन नहीं, अल्लाह अकबर, बिलियन किलोमीटर। मैं सादे अल्फाज में अगर कहूँ तो हम दुनिया को यानी इस जमीन को कितना बड़ा हम समझते हैं, सही, कुरान ने भी कहा है अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी जमीन है इसी के बराबर तकरीबन चांद भी है, यानी जिस तरीके से इंसान जमीन में रहकर चांद को देखता है तो एक छोटा एक पापड़ की तरह नजर आता है, पूरा चांद भी जब है ना, चौदहवीं का चांद भी जो होता है वो एक पापड़ की तरह में नजर आता है, अगर कोई चांद पर जाके जमीन को देखे तो जमीन भी बिल्कुल वैसे ही नजर आती है, अल्लाह अकबर, क्या कुदरत है। अब हम सूरज को देखते हैं तो एक छोटा सा सूरज हमें दिखाई देता है, दर हकीकत वो जमीन के इतने ज्यादा फासले पर है कि जमीन के 109 बराबर सूरज है ना, जमीन जितनी बड़ी है उसके 109 बराबर सूरज है, फिर सूरज से भी बहुत ज्यादा, जैसे ये जुपिटर है ये सूरज से भी कई कई बराबर है। तो इन तमाम अवालिम का, इन आलमों का परवरदिगार क्या है, एक है। इंसान आता है तो ये ना सोच कर आए कि हमें खाना खिला रहा है, हमारा रिस्क देने वाला अल्लाह है, नहीं, बल्कि हर चीज को उसकी सही प्लानिंग तक, तो ऐसे सिस्टम को उसने खल्क किया है कि आज तक कोई साइंसदान ये कह नहीं सका कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलता तो अच्छा होता, है ना, चांद इस टाइम के बजाय उस टाइम निकलता, तो इसलिए कि अल्लाह ने ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है कि अब कोई उसमें ऐब नहीं निकाल सकता। और इतनी सारी मखलूकात के आज तक किसी साइंसदान ने यह चैलेंज नहीं किया है कि मैंने समंदर में मौजूद तमाम मखलूकात को कशफ कर लिया है, नहीं, उसकी तहकीक जारी है, आए दिन एक नई मखलूक की वो तहकीक करता है, उस पर रिसर्च करता है, लेकिन अभी भी उसका एंड नहीं हुआ है, यानी सिर्फ उस समंदर में मौजूद है ना, जमीन के अंदर इतनी मखलूकात है कि इंसान उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन तमाम चीजों पर इख्तियार रखने वाला परवरदिगार है। तो खुलासा एक कलाम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी तारीफ उसी के लिए सजावार हैं
जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है, निजामे शमसी हो, निजामे कमरी हो, ये निजामे दुनियावी हो, निजामे समावी हो, अर्जी हो, हर एक का इख्तियार और हर एक का चलाने वाला परवरदिगार है, हम उसकी बारगाह में आ रहे हैं। अब ये असल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का खुलासा ये है, यानी क्या इतने बड़े कादिर के सामने हम आ रहे हैं। हमारी निगाहों में क्या है, किसी के 50 एकड़ जमीन है तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, किसी के हाथ में 100 एकड़ जमीन है, किसी के 50 प्लाट है तो हम समझते हैं कि उससे बड़ा शायद आदमी नहीं है ना, हम ये समझते हैं। लिहाजा कभी कभी उससे हमें काम होता है तो वो 3 घंटे हमें रोकता है किसी काम के लिए, तो हम इंतजार करते हैं, है ना। एक छोटे से एरिया का एक चेयरमैन जिसकी कोई मिसाल के तौर पर औकात नहीं होती, वो भी कहता है कि 2 दिन के बाद आना, तो हम 2 दिन इंतजार करते हैं एक छोटे से साइन के लिए, है ना, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो 3 घंटे 4 घंटे एक छोटा सा इख्तियार रखने वाले का हम इंतजार करते हैं, तो खुदा बंदे आलम कह रहा है कि अगर तुम बेनियाज से वाबस्तगी इख्तियार कर लो, यानी तुम देखो छोटे छोटे काम के लिए 2-2, 3-3 घंटे किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के इंतजार में कई कई घंटे लगा देते हैं, तो खुदा कह रहा है कि तुम आओ 17 मिनट मुझे दे दो, दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, तो फिर तुम्हें किसी और के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तो इंसान आता है तो यही कहता है कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा हूं, इतनी बड़ी दुनिया और इतने बड़े निजामे और शमसी पर इख्तियार रखने वाले की इबादत करता हूं, मैं उसके सामने सर झुकाता हूं, तो फिर मैं क्यों दूसरों के सामने सर झुकाऊं। तो नमाज इंसान को बेनियाज हकीकी से जोड़ती है, लोगों से दुनिया वालों से बेनियाज करती है। एक शेर खुलासे के तौर पर मैं मौलाना उस्ताद बल्कि बरादर अजीज नामदार अब्बास साहब ना, इनसे एक शेर सुना था, ये भी काबिले बयान है कि सैकड़ों चौखट पे उसके सर को झुकना है जरूर, है ना, सैकड़ों चौखट पे उसके सर को झुकना है जरूर जरूर, जो ना सजदे में झुका हो एक खुदा के सामने, है ना। अगर एक खुदा के सामने हम नहीं झुकाते हैं तो फिर दुनिया के हर बड़े आदमी के सामने, छोटे आदमी के सामने हमारे सर को झुकाना पड़ता है। लिहाजा हम आते हैं नमाज में तो खुदा के सामने सर को झुका देते हैं, तो फिर हम दुनिया वालों के सामने गनी हो जाते हैं, बेनियाज हो जाते हैं, किसी और के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। ये पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का खुलासा है। इंशाअल्लाह खुदा अल्लाह हम सब को मारिफ अहले बैत का मुतालिया करने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।